हेलो व्यूअर्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आर के सोनी। आज मैं आपको जेनर टेस्टर के बारे में बताऊंगा कि आप जेनर डायोड कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका कंपोनेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक एसी टू डीसी कन्वर्टर लेना होगा। इसे मैं पिछले वीडियो में बना चुका था, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हमें एक पावर कॉर्ड लेना होगा। सबसे पहले मैं इसका एसी पॉइंट जोड़ लेता हूँ। ये देखिए, मैं एक पॉइंट को और ये दूसरे पॉइंट को मैंने सोल्डर कर दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट एसी पॉइंट है और ये दोनों डीसी है। अब हमें एक फीमेल कनेक्टर लेना होगा। इसे मैंने स्पीकर में से निकाला है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब हमें फीमेल कनेक्टर का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव एक साथ जोड़ देना है। देखिए, मैंने फीमेल का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया है, फीमेल का नेगेटिव और डायोड का नेगेटिव एक साथ जोड़ दिया है। अब हमें दो डीसी क्लिप लेना है। इसका एक पॉइंट हमें डायोड का पॉजिटिव में सोल्डर कर देना और नेगेटिव पॉइंट हमें डायोड का नेगेटिव में। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने डायोड का नेगेटिव और क्लिप का नेगेटिव एक साथ जोड़ दिया है। देखिए, क्लिप का नेगेटिव जोड़ दिया है और डायोड का पॉजिटिव और क्लिप का पॉजिटिव मैंने एक साथ जोड़ दिया। अब हमें एक मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर का हमें डीसी पे सेट करना है। देखिए, मैं इसे 20 पे सेट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसे 20 पे सेट कर दिया। अब हमें दोनों प्रोब को लेना है और जो हमारा जो पॉजिटिव क्लिप था और नेगेटिव क्लिप था, दोनों को जोड़ देना है। अब हमें कुछ जेनर डायोड लेना है। अब इस जेनर डायोड को हमें पॉजिटिव में लगा देना है, फीमेल कनेक्टर का पॉजिटिव में। देखिए, मैंने इसे लगा दिया और दूसरे साइड भी लगा देते हैं। देखिए, मैंने इसे लगा दिया। अब हमारा सर्किट तैयार हो गया है जेनर डायोड को टेस्ट करने के लिए। देखिए, मैंने काला वाला साइड पॉजिटिव में लगाया है और बाकी पोर्शन हमने ग्रीन वाला लगाया है, ग्रीन यानी कि नेगेटिव में लगाया है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, ये 4.7 वोल्ट के करीब बता रहा है। चलिए मैं आपको एक और डायोड टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसे हमने पहले लगाया था, ठीक उसी तरह हमें लगा लेना है। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2.3 के समथिंग में बता रहा है।